हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस M200 प्रिंटर को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम चेक करना होता है, तो हम लोगों ने इसमें प्रॉब्लम चेक किया है। इसका नॉजल मिसिंग है और इसमें से जो भी प्रिंट निकाला जा रहा है उसमें लाइन आ रहा है, तो इसमें लेटर कटिंग का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग नॉजल को चेक करेंगे। नॉजल चेक हो जाने के बाद पता चलता है कि इसमें हेड का इशू है, प्रिंट हेड। तो इसमें प्रिंट हेड चेंज करने से पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे जो यहाँ पे पावर केबल है उसको निकाल देंगे प्रिंटर को ऑफ करने के बाद, और फिर आगे खोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हिंज के ऊपर स्क्रू लगा होता है इसको खोलना पड़ता है। सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। स्क्रू खुलने के बाद इसके धीरे से स्कैनर यूनिट को ऊपर करेंगे। और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। अभी ये स्कैनर केबिल जो है उसको भी खोलना पड़ेगा। उसको खोल के स्कैनर यूनिट को निकाल के आप साइड में रख दीजिए, और फिर इस कैरिज को दाहिने तरफ थोड़ा धकल के, और जो यहाँ पे पीएफ इनकोडर स्केल के वहाँ पे जो गियर है उसको हटा के और कैरिज को खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे एडाप्टर को खोलना पड़ेगा। एडाप्टर को खोल के साइड में रख दीजिए, और फिर जो केबिल हेड केबिल को हेड केबिल में लगा होता है इस लॉक को भी हटा देंगे हम लोग, और उसके बाद जो एडाप्टर का लॉक है उसको खोलेंगे। यहाँ पे खुल गया। अभी हेड के अंदर 3 स्क्रू लगा होता है, तो हम लोग एक एक करके 3 स्क्रू को निकाल लेंगे। पे 3 स्क्रू निकल चुका है। अभी हम धीरे से हेड को निकालेंगे बाहर। ध्यान में रखिए, हेड निकालते वक्त या फिर लगाते वक्त कभी चोट ना लग जाए। हेड केबिल इसका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेड केबिल में। इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। और ये जो है M200 का नया प्रिंट हेड है। इसे पहले पैकेट को ओपन कर देते हैं, फिर यहाँ पे हेड निकलेगा। यहाँ पर हेड निकला। अभी इसको लगाते वक्त सबसे पहले चीज़ है कि जो हेड केबिल आप इसमें कनेक्ट करेंगे उसे आप अच्छे से साफ कर लीजिए। उसमें ज़रा सा इंक या फिर कोई वाटर या फिर कुछ भी ना लगा हो, देख के अच्छे से साफ करके और फिर इसमें कनेक्ट करके और इसको बिठा दीजिए यहाँ पे कैरिज में। कैरिज में अच्छे से अगर बैठ जाए तब स्क्रू आप टाइट दीजिए, अगर ना बैठे अच्छे से तो फिर स्क्रू मत टाइट दीजिए, थोड़ा उसको अच्छे से बैठा दीजिए। हाँ, अभी जैसे ये बैठ गया सही से, अभी हम लोग करेंगे क्या कि जो स्क्रू है तो सब कुछ 3 स्क्रू को टाइट दे देंगे यहाँ पर। मेरे स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेट थोड़ा कम हो गया है इसलिए बार बार गिर जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्क्रू को ये आखिर वाला स्क्रू भी टाइट कर देंगे। अभी ये जो एडाप्टर वाला लॉक है इसको बिठा देंगे ठीक उसी तरह जैसे पहले। अगर हम खोल लेते अभी एडाप्टर बैठ जाएगा, इंक एडाप्टर ट्यूब को सही से एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया सही से, और अब जो हेड केबिल का जो कैप होता है उसको भी हम सही से लगा देंगे। जो पुराना वाला हेड है उसको थोड़ा अच्छे से रखना होगा ताकि वो खराब ना हो जाए।
अभी जो है हम लोग कंप्यूटर से इसको हेड क्लीनिंग करेंगे या फिर हेडिंग चार्ज करेंगे, ताकि जो नया हेड है उसके अंदर पूरे सही से इंक चला जाए। अभी एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ एडाप्टर ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा है, अच्छे से मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर से इसको सेट कर दूँगा। अभी जो है हम सबसे पहले इसको पावर ऑन करेंगे हेड क्लीनिंग देने के लिए। पावर ऑन करने के बाद यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे इसमें। और अब प्रिंटर को ऑन करेंगे। अरे अरे, ये जो प्रॉब्लम है ये केबल इनकोडर सीआर जो है, सीआर इनकोडर केबल स्केल, सीआर इनकोडर स्केल, वो थोड़ा शायद बाहर निकल गया है। अभी इसको मैं उंगली से एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब हो गया। अब फिर से दोबारा प्रिंटर को ऑफ करके और ऑन करना होगा। ये देखिए अभी ऑन हो गया, मतलब ये अच्छे से काम कर रहा है। वो इनकोडर स्केल जो है वो थोड़ा निकल गया था बाहर, उसको मैंने ठीक से एडजस्ट कर दिया। अब ये ऑन हो रहा है। अब ऑन होने के बाद हम इसमें हेड क्लीनिंग देंगे। हेड क्लीनिंग हो जाने के बाद फिर नोजल प्रिंट करेंगे। अभी जो हेड क्लीनिंग हो गया, अब हम सबसे पहले एक बार नोजल प्रिंट करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही से। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो फिर दो बार हेड क्लीनिंग दीजिए या फिर तीन बार हेड क्लीनिंग दीजिए, तब तक तो हो ही जाएगा। M200 में कभी कभी होता है क्या कि आप हेड क्लीनिंग देने के बाद भी नोजल मिसिंग रह जाता है, तो उसमें फिर से आपको हेड क्लीनिंग नहीं देना है। जब आप दो तीन बार हेड क्लीनिंग ट्राई कर चुके होंगे तब फिर से आपको चार बार पांच बार हेड क्लीनिंग नहीं करना है, तब आपको कुछ कई बार नोजल प्रिंट करना होगा या फिर कुछ प्रिंट करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी, आप उसको पांच छह बार प्रिंट कीजिए और फिर नोजल क्लियर आ जाता है अपने आप। अभी मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें नोजल मिसिंग है। हेड क्लीनिंग अभी नहीं करना है क्योंकि मैं हेड क्लीनिंग कर चुका हूँ तीन बार। अभी सिर्फ मैं बार बार नोजल प्रिंट मारूंगा। नोजल प्रिंट करने से होगा क्या, बार बार नोजल प्रिंट करने से वो जो नोजल मिसिंग होता है वो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।